press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर के जिला कलेक्ट्रेट पर अखिल भारतीय किसान सामान्य स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने तथा किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की मांग हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभा से जुड़े पदाधिकारियों ने जेल भरो का राष्ट्रीय आह्वान भी किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया, इसको लेकर किसानों में आक्रोश है। अलवर सहित पूरे देश के किसान पुरजोर मांग कर रहे हैं कि वादा पूरा करते हुए उक्त दोनों मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। किसानों ने बताया कि सरकार झूठे आश्वासन देती है, इसके सिवा उसके पास कुछ नहीं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुख्य मांग ये, अगर किसान का कर्जा माफ कर दे तो ठीक है, नहीं अगर कर्जा माफ नहीं किया तो दोबारा सरकार नहीं आएगी। मैं पहले किसान था, अभी जवान हूँ, फिर दोबारा किसान हूँ, लेकिन ना किसान की सुनता है ना जवान की सुनता है। ये राजस्थान एक ऐसा स्टेट है इसमें सिर्फ पैसे वालों का ही दावादार है, जो पैसे वाला है उसकी सब सुनता है, बाकी गरीब की, किसान की, जवान की कोई नहीं सुनता है। अगर कोई रिपोर्ट के लिए भी जाए, अभी एक जनसुनवाई थी, जनसुनवाई में गया था कलेक्टर के पास में, कलेक्टर साहब ये बोला बोल जवान है आप जाओ हम भेज देगा वहाँ। और भेजने का मतलब जनसुनवाई है तो उसमें जनसुनवाई होना चाहिए, किसान के अगर अगर पुकार है तो सुनना चाहिए, क्योंकि वो आत्महत्या कर रहे क्यों कर रहे, उनको नाजायज मतलब ऐसा है, बच्चे कोई परेशान है, जो जैसे समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य का पैसा आज तक नहीं मिला है, समर्थन मूल्य की कोई पुकार भी करता है तो उसे कोई नहीं सुनता। जैसे समर्थन मूल्य है, अभी जब सब पूरा किसान का माल बिक गया है 3000 में, 3200 में सरसों का, और आज 4000 कर दिया है, जब किसी के पास है नहीं, गरीब किसान के पास है नहीं, तो समर्थन मूल्य का उसका बनता क्या है? तो किसान गरीब के नहीं सुनती, और खासकर इस बीजेपी सरकार तो पैसे वाले की पैसे वाले। आज हम अखिल भारतीय किसान सभा के जेल भरो आंदोलन के राष्ट्रीय आह्वान के तहत यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और अखिल भारतीय किसान सभा की दो मांगे हैं अभी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना और किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी। वर्तमान जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। आज 4 साल पूरे होने के बावजूद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही है, और किसान कर्जे के मारे अभी भी लगातार आत्महत्या किए जा रहे हैं। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा की पुरजोर मांग है कि जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों के हर तरह के संपूर्ण कर्जा माफी की जाए। ज्ञापन किसको देंगे? ज्ञापन हम प्रधानमंत्री के नाम माननीय जिला कलेक्टर को देंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.